हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्टिविटी के बारे में कि हाउ अ स्टूडेंट विल बी बिकम मोर प्रोडक्टिव और मैं ऐसा क्या चीज़ें करता हूँ जिससे मैं अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकूँ और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकूँ इन स्टडीज और इन काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल। तो मैं आपको ये बताना स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप स्टडीज कर रहे हैं, तो यू शुड बी फोकस ऑन योर स्टडीज विद अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट्स। अगर आप उसमें एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो उसका कोई अल्टरनेटिव या फिर कोई आपको ऑब्जेक्टिव अचीव होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो चलिए अब चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करता हूँ और कैसे अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। गाइज एज आई सेड कि प्रोडक्टिव होने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपको एक शॉर्टर गोल को सेट करना होगा इंस्टेड ऑफ बिग गोल्स। हम अगर एक शॉर्ट गोल को सेट अप करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह अचीव हो सकता है और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सो दैट आप बिगर गोल्स के लिए भी अचीव करने के लिए उसे एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एज यू कैन सी हियर मैं अपने पूरे दिन का एक गोल सेट करता हूँ और अपने आपको कुछ मार्क्स भी देता हूँ एज यू कैन सी। और जैसे कि मैंने कंप्यूटर में एक ऐप डाउनलोड करा है जिसका नाम है टिक टिक एंड इसमें मैं अपना अभी गोल सेट करूंगा, जैसे कि मुझे आज स्टडी करनी है। तो मैंने अपना स्टडी का गोल आज का सेट कर दिया एंड आफ्टर दैट मैं अपने गोल्स को बार बार ऐसे ही करके सेटअप करता जाऊंगा। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना वर्कआउट का शेड्यूल भी यहाँ पे डाल रखा है पहले से कि मुझे कार्डियो करना है, बैक वर्कआउट करना है या क्या क्या करना है। सो इसको करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपको एक रिमाइंडर मिलता रहेगा पूरे दिन में कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे आप अपना टाइम मैनेज करें उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। द सेकेंड टिप इज़ फॉर बींग एन एफिशिएंट स्टूडेंट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपने टाइम को आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते कि आप मॉर्निंग में इतने बजे स्टार्ट करेंगे या कभी भी। यू शुड हैव टू बी प्रिसाइज कि आपको अपना टाइमिंग, जैसे 8 बजे अगर आपको पढ़ना है तो आपको 8 बजे डेली उठ के उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट करना होगा, सो दैट एक एफिशिएंसी बन जाए। और आपको अपने डेस्क के साथ में एक मस्ट चीज़ ज़रूर रखनी है, एज डब में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है जो कि है एक वॉच। इस वॉच से मैं अपने टाइम को हमेशा ट्रैक करता रहता हूँ और इससे ही मैं अपने टाइम को ट्रैक करता हूँ और ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है और क्या क्या गोल्स मेरे कौन कौन से टाइम पे मुझे क्या क्या काम करना है। like, मैं सुबह 8 या 6 बजे कभी भी उठता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और मेरे को एक प्रिसाइज टाइम होता है कि 5 से 5:30 के बीच में मुझे जिम जाने के लिए रेडी हो जाना है। सो दैट वुड बी माई टाइम ऑफ रूटीन, जिस रूटीन को मैं फॉलो करता हूँ डेली बेसिस पे। कभी कभी ये ऐसा लगता है जैसे कि यू आर इन अ मैट्रिक्स, बट गाइज आई फील दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और इससे आपको कोई हैसल भी नहीं होगी या फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि मुझे यह अभी टाइम नहीं मिला तो मैं अपने टाइम को यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा या यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। यू हैव दैट प्रिसाइज टाइमिंग और उसमें चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि वी आर ह्यूमंस और हमें काफ़ी टाइम चेंजेस आते जाते हैं और क्या कि को क्या क्या सिचुएशंस आती हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बट यू हैव टू स्ट्रिक टू योर प्लान्स कि आप मोस्टली उस प्लान को अचीव करने के लिए आप उस पर काम कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अभी के लिए मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। एज यू कैन सी मैंने अपने टिक पे भी एक स्टडी सेशन डाल दिया है और उसकी टाइमिंग भी डाल दिया और मैंने अपना नोट्स भी रेडी करने के लिए तैयार हो गया। सो जल्दी से मैं अपनी बुक्स खोलता हूँ और पढ़ने बैठता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपको सीधा जिम जाके। तो चलिए चलते हैं और जिम में मिलते हैं।
सो गाइस आई जस्ट वांट टू से, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं या फिर आपको इनसे कुछ भी एक हेल्प मिल रही है छोटी सी भी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट ये चैनल अच्छे से ग्रो हो पाए। तो अभी हमारा गोल है 200 सब्सक्राइबर्स का, और जैसे वो पूरा होता है तो मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, तो जल्दी से वो पूरा कराने में मेरी हेल्प करिए। तो चलिए चलते हैं अब जिम की तरफ। बट अभी जिम जाने से पहले मैं अपने लिए एक ओआरएस का शेक बनाऊंगा सो दैट मेरी एनर्जी को बूस्ट रहे, और या फिर मैं एक कॉफ़ी लूंगा ब्लैक कॉफ़ी, जिससे मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े रहें और मेरी अच्छे से एक्सरसाइज करने में मेरी हेल्प हो। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा जिम में। तो चलिए चलते हैं जिम की तरफ, और आज मैं लगाने वाला हूँ शायद एक चेस्ट वर्कआउट और मे बी शोल्डर्स, तो देखते हैं जैसे भी डिसाइड होता है मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं। आई नो आई सेड कि अब जिम चलते हैं, बट उससे पहले मैं अपने वर्क रूटीन को नोट करने वाला हूँ कि मैं आज क्या क्या करूँगा, सो दैट मैं कोई भी सेट या फिर कोई भी ऐसी वर्कआउट मिस ना कर दूँ और अपने वर्कआउट को एक एफिशिएंट वे में कर सकूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना लिए हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा ये मेरा आज का शॉर्टर गोल है कि इन सब प्राप्स को निकालना और इस सब को अचीव करना ही मेरा आज का शॉर्टर गोल रहेगा इन टर्म्स ऑफ माय फिटनेस। तो चलिए चलते हैं अब इस गोल को अचीव करते हैं। चलिए चलते हैं। As you can see, मेरी वर्कआउट हो चुका और अब मैं बाहर आया था। अब देख सकते हैं घर कैसे सजे हुए जैसे दिवाली हो, बिकॉज ऑफ राम मंदिर यहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन करी है लोगों ने और पटाखे फोड़े थे, एंड सही बताऊँ तो इट फील्स लाइक दिवाली टू। सो गाइज आई होप यू लाइक माई व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। होप आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके लिए यूजफुल हो और आपके बाद में काम आए। तो जो भी मैंने स्टेप्स बताए फॉर द एफिशिएंट वर्क, और तो उन्हें आप बिल्कुल एक बार जरूर ट्राई करना, हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए। तो अभी के लिए मैं आपके लिए लिंक दे रहा हूँ, जो भी ऐप्स मैंने यूज़ करे थे जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उनके लिंक्स वीडियो के नीचे ही हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में जल्दी ही, और होप ये ब्लॉग जल्दी ही आ जाए दूसरा भी। तो चलिए चलते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।